नमस्कार विद्यार्थियों, रसखान पद व्याख्या भाग 5 में आपका स्वागत अभिनंदन। और यहाँ पर जो पद्य 5 है उसमें रसखान जी का मूल पद्य इस प्रकार से है, पहले उसको देखें उसके बाद फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। गावे गणिका गंधर्व ओ शारद शेष सबे गुण गावत, नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्म त्रिलोचन पार न पावत, जोगी जति तपसी अरुसिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताहि हीर की छोहरियाँ सचिया भर छाच पे नाचना चावे। यहाँ रसखान जी कृष्ण के विविध रूपों के बारे में और उनकी महिमा के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वे एक सामान्य पुरुष न थे, वो ईश्वरीय थे, वो अलौकिक शक्ति थे, कि उन भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक जन्मों जन्मों तक लोग ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी यति योग करते रहे, तपस्या करते रहे और वो गुण गाते रहे, परंतु उन्होंने उनके दर्शन नहीं दिए। और उसी भगवान को प्राप्त करने के लिए जो गांव की सामान्य अहिरन जो लड़कियां थी, जो ब्रज की लड़कियां थी, ग्वालिन थी, वो उनको का रूप है वो देखती है, न केवल रूप देखती है बल्कि वो जो छाछ की जो छोटी सी एक कुल्हड़ी होती है उसको देने के लिए, छाछ को देने के लिए तब आपको देंगे जब आप इस पर नृत्य करेंगे, तो अपने उस भगवान से नृत्य करवाती हैं। और उनको ये पता नहीं है कि हम नृत्य किससे करवा रही हैं, हम एक ऐसे अलौकिक शक्ति से नृत्य करवा रही हैं जो हमारे सामने साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है, लेकिन उसके ऊपर वो सांसारिकता इतनी हावी है कि वे भूल जाती हैं और वो अपने भगवान से, और भगवान भी अपने उस रूप को दिखाते हैं कि हाँ यदि कोई मुझे चाहने वाला है तो मैं उसको इस रूप में भी दर्शन दे सकता हूँ, इस रूप में भी मैं उनके सामने नृत्य कर सकता हूँ। तो पुनः एक बार देखिए, कभी कहते हैं कि गावे गुणी गणिका गंधर्व, मतलब जो गुणी लोग हैं, गणिकाएं हैं, गंधर्व हैं, शारद शेष सबे गुण गावत, और शारदा यानी सरस्वती है, शेष भगवान है, वो हमेशा उनके गुण गा रहे हैं। नाम अनंत गणंत गणेश जो, और उनके अनेक नाम है, अन्य गणेश जी उनकी वो कर रहे हैं, ब्रह्मा जी त्रिलोचन मतलब शिव, वो भी उनका पार नहीं पा सकते। जोगी जति तपसी अरुसिद्ध, योगी है, जति है, तपस्वी है, सिद्ध लोग हैं, वो निरंतर समाधि लगाकर उनको रूप को देखने के लिए लालायित हैं लेकिन दिखा नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं। उसी को ताही मनी उसी भगवान को प्राप्त करने के लिए अहिर की छोहरियाँ, अहिर की जो लड़कियाँ हैं, यादव लड़कियाँ हैं, वो छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, और एक छछिया मतलब छोटी सी कुल्हड़ी होती है, उसको देने के लिए, क्योंकि कृष्ण को वो छाछ बहुत पसंद थी, उस पर वो नाच नचवाती हैं। तो ये जो पद्य भाग 5 था इसमें उस भगवान की महिमा और साथ में ब्रजभाषा है, सवैया छंद है, वर्ण मैत्री है, पद्य मैत्री है, अंत्य अनुप्रास अलंकार है, और साथ में यहाँ पर माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग, भक्ति रस का प्रयोग, शांत रस का प्रयोग हुआ है। बहुत सुंदर पद्य है, धन्यवाद।